वेलकम टू वर्ल्ड इनफॉर्मेटिव चैनल। आज की वीडियो दरअसल एनिमल्स के मुतल्लिक है जो कि अपने कलर्स को चेंज करते रहते हैं ताकि वो आसानी से शिकार ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ी अजीब बात है कि एक सेकेंड में या 10-12 सेकेंड में अपने कलर को चेंज कर लेना। तो चलते हैं असल बात की तरफ कि वो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने कलर को फौरन ही तब्दील कर देते हैं। इसमें पहले नंबर पर है पैसिफिक टी फ्रॉग, अमेरिका में पाया जाता है। ये आसानी से दरख्तों पर भी चढ़ जाता है लेकिन इसकी जो स्किन है अल्लाह ताला ने उसको अजीब तरह की ये ताकत दी है कि वो अपनी स्किन को फौरन ही मुख्तलिफ रंगों में तब्दील कर लेता है। ये मुख्तलिफ कलर्स में पाए जाते हैं, इनमें एक ग्रीन है, टैन है, रेड है, ब्राउन है और ग्रीन है। अपने कलर को सराउंडिंग के मुताबिक तब्दील करते हैं, ये चंद मिनटों में अपने कलर को तब्दील कर देते हैं बल्कि सेकंडों में भी कर लेते हैं ताकि वो अपने पोटेंशियल प्रेडेटरों से बच सके। तो ये पहले ही नंबर पर पैसिफिक टी फ्रॉग। दूसरे ही नंबर पर है एरेक्टिक फॉक्स। एरेक्टिक फॉक्स एक लोमड़ी को कहते हैं जो कि एरेक्टिक रीजन में रहती है। ये इंतहाई खूबसूरत एरेक्टिक फॉक्स है। बताऊँ कि ये -50 डिग्री में की डिग्री सेंटीग्रेड में जब हर चीज जम जाती है तो उसमें भी ये एरेक्टिक फॉक्स जिंदा रहती है। उसकी थिक फर जो होती है वो उसको बचाती है। उसकी छोटी छोटी टांगे और उसकी जो फर है उसको बचाने में उसका बहुत ज़्यादा साथ देती है। एरेक्टिक फॉक्स पूरे विंटर में एरेक्टिक फॉक्स के पास एक खूबसूरत कोट होता है जो कि फर से बना होता है। अच्छा, एरेक्टिक फॉक्स डंडोरा इलाके में अक्सर वो इनका शिकार करती है जो कि अक्सर हेयर्स का और फिशेज का शिकार करती है। तो ये लेकिन मजे की बात है कि अगले ही सीजन में वो अच्छे तरीके से कैमोफ्लेज कर लेती है और अगले ही सीजन में उसका रंग जो है वो तब्दील हो जाता है। गोल्डन टार्टाइल बीटल ये तीसरे नंबर पर है। ये अगर एक छोटा सा कीड़ा है जो कि अमेरिका में पाया जाता है, उसको अक्सर गोल्डन बल्ब का नाम भी दिया गया है क्योंकि उसका रंग जो होता है वो गोल्डन कलर की तरह होता है। उसमें भी एक खासियत है कि वो कीड़ा अपने रंग को तब्दील करता रहता है। जब इसको कोई खतरा होता है तो ये अपना कलर जो है ब्राइटन कर लेती है, गोल्डिश कर लेती है और ऑरेंज में तब्दील कर लेता है। ये कलर जो है ये 2 या 3 मिनट में बन जाता है। तो ये कमाल है अल्लाह ताला ने किस तरह की मखलूक पैदा की है। जब एक दफा उसका रंग तब्दील हो जाता है तो ये ऐसे मालूम होता है कि ये पॉइजनस इंसेक्ट है और ये प्रीडेटर को भी यानी शिकार करने वालों को भी हैरान कर देता है। मिमिक ऑक्टोपस, ये चौथे नंबर पर है। मिमिक ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के मतलब पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये अपना कलर चेंज करते रहते हैं। ये एक इंटेलिजेंट ओशन क्रीचर है। ये इंडो पैसिफिक रीजन में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इसमें कैमोफ्लेज की पावर होती है और ये लाइन फिश से और स्नेक से ये बच जाता है। अपनी रंगत को उन एनिमल के मुताबिक बना देता है अक्टूबर जहाँ वो रहता है और रहने वाली जगह के मुताबिक ये अपनी रंगत को तब्दील कर देता है। ये इंतहाई एक नॉन स्पीसीज है और इसके पास मिमिक दूसरे एनिमल्स की तरह उसके पास मिमिक क्वालिटी होती है ताकि वो अपने शिकारियों से बच सके और अपने आप को बचा सके। कटल फिश, ये पांचवा नंबर है। कटल फिश, कटल फिश एक मीडियम साइज समुद्री जानवर है जो कि पूरी दुनिया के समुद्रों में पाई जाती है। इसकी 100 से ज़्यादा किस्में हैं। पूरी दुनिया में इसकी 100 से ज़्यादा किस्में हैं। कटल फिश में सबसे बड़ी पावर कैमोफ्लेज है। कैमोफ्लेज का मतलब ये होता है कि अपने रंग को सराउंडिंग के मुताबिक तब्दील कर लेना। इसमें मिलियंस ऑफ पिगमेंट सेल्स होते हैं, इसकी बॉडी में मिलियंस ऑफ पिगमेंट सेल्स होते हैं जो कि कटल फिश सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने रंग को अपने सराउंडिंग के मुताबिक तब्दील करे। कटल फिश की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सी फ्लोर में नजर नहीं आता। इसको रात में देखा, रात के अंधेरे में इसको देखा जा सकता है।
ताकि वो अपने प्रीडेटर जो होते हैं उनसे बच सके और उनके उनके शिकार से अपने आप को बचा सके। फ्लोंडर नंबर 5, फ्लोंडर एक मछली है जो कि बेहतरीन कैमोफ्लाज की खसूसियात इसमें पाई जाती है। वो आसानी से अपनी बॉडी का रंग चेंज कर लेती है और हैबिटेट के मुताबिक हो जाती है। ये अक्सर ब्राउन कलर में पाई जाती है और इसके ऊपर मार्किंग लगी होती है, लेकिन जब ये किसी नई जगह पे जाती है वो अपना रंग ब्लेंड कर लेती है। सिर्फ अपना रंग 5 या 8 सेकंड में वो ब्लेंड कर लेती है। चैमिलियॉन्स इसको उर्दू में गिरगिट कहते हैं। ये भी अपना कलर चेंज करता रहता है, यानी चरौनी के मुताबिक ये अपना कलर चेंज कर लेता है। और ये इंतहाई एक ऐसा गिरगिट, जैसे आम लड़कों में हम कहते हैं गिरगिट की तरह रंग तब्दील करना, ये एक कलर चेंज क्रिएचर है, क्रिएचर है। ये इसका एक इंतहाई आम खसूसियात है इसकी, ये बहुत जल्दी में अपने रंग को चेंज कर लेता है और सराउंडिंग के मुताबिक अपने आप अपने कलर को सराउंडिंग के मुताबिक बना देता है। इसमें स्पेशल इसकी बॉडी में स्पेशल पिगमेंट सेल्स होते हैं जो कि इसको आलो करते हैं कि वो टेम्परेचर के मुताबिक या लाइट के मुताबिक जो उसके ब्रेन को जाती है, और वो उसको इजाज़त देते हैं कि वो अपने 15 या 16 सेकेंड में ये अपने रंग अपनी बॉडी के रंग को तब्दील कर लेता है। तो ये थी एक वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जिसका बुनियादी मकसद आप लोगों को ये बताना है कि दुनिया में ऐसे बहुत से टेनेचर या एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि अपनी कलर को चेंज कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कल।